स्टूडेंट्स टुडे विल डिस्कस द टॉपिक दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100, कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है हमें उनकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है. सो इस आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होगा, जस्ट सी आउट. वेन एवर यू विल राइट द आईयूपीएसी नाम, जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट इट इज अ सिंगल वर्ड. आपको सिंगल वर्ड में लिखना है विद फर्स्ट लेटर बिग एंड अदर्स स्मॉल. ये सबसे पहली चीज. सेकेंडली, दिस आईयूपीएसी नेम फर्स्ट यू हैव टू राइट द रूट. मैं भी आपको बताऊंगा रूट क्या होता है, ठीक है ना. बस फर्स्ट आपको क्या लिखना है, रूट, और देन यू हैव टू प्लस आई यू एम. रूट के एंड में आपको आई यू एम इंडिकेट करना है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. थर्ड एंड द लास्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, इफ देयर आर टू आईज मीन्स आई एंड आई, देन ओनली सिंगल आई इज रिटन. दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ. सो एक बार फिर से बताते हैं कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको लिखना क्या है. बहुत इजी है, डजंट बिग अ प्रॉब्लम. सिंगल वर्ड, फर्स्ट लेटर बिग, और यू कैन से फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे आपको ठीक लगे. वी कैन राइट लाइक दैट दैट द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड द रेस्ट आर स्मॉल. फिर आप रूट लिखोगे, ई एम पे उसको एंड करोगे, और अगर आपके दो कंटिन्यूअस स्मॉल आई आ गए देन आपको एक लिखना है. अभी हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. चलिए देखते हैं इसको. बेटा आपके जो एटॉमिक नंबर्स हैं उनमें ये डिजिट्स होंगे, जस्ट लाइक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. दीज डिजिट्स आर प्रेजेंट. इफ द डिजिट इज 0 देन यू हैव टू राइट निल. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखिए इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट लर्न करना है. इफ द डिजिट इज 0 यू हैव टू राइट निल. इफ इट इज 1 अन, 2 बाई, 3 ट्राई, 4 क्वेट, फॉर 5 पेंट, फॉर 6 हेक्स, फॉर 7 सेप्ट, फॉर 8 ऑक्ट, फॉर 9 ई डबल एन. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ जब हम सिंबल लिखेंगे, ये तो हुआ नेमिंग की बात. सिंबल में आपको ये कंप्लीट नहीं लिखने होते, आपको इनके एब्रीवेशंस लिखने होते हैं. तो एब्रीवेशन होता है बेटा फर्स्ट लेटर. जैसे नील का एब्रीवेशन क्या होगा, एन. अन का एब्रीवेशन यू. बाई का एब्रीवेशन बी. ट्राई का एब्रीवेशन टी. फॉर क्वेट क्यू. फॉर पेंट पी. फॉर हेक्स एच. फॉर सेप्ट एस. फॉर ऑक्ट ओ. एंड फॉर एन ई. सो ये आपको बहुत अच्छी तरह से लर्न करनी है. नाउ वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ आईयूपीएसी. जस्ट सी आउट, हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. चलिए आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल जो हम करेंगे, 112. क्लियर. फर्स्ट आई विल राइट आईयूपीएसी नेम, देन वी विल राइट द सिंबल ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट. चलिए बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल जो है आपका 112. सो यहां पे जो आपका फर्स्ट डिजिट है 1, 1 के लिए हमें क्या लिखना है बेटा, अन. सो आई विल राइट यू कैपिटल एन स्मॉल. फर्स्ट आपको कैपिटल करना है, बाकी सारा आपका स्मॉल जाएगा. तो 1 के लिए हमने अन लिखा, अगेन 1 राइट अन. देन 2, 2 के लिए बेटा वी हैव टू राइट बाई, बी आई. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब लास्ट में क्या करना है, ये आपने अपने व्हाट यू हैव रिटन, रूट आपने लिखे सिंगल. क्लियर. 112 का रूट क्या आया, फॉर 1 अन. सेकेंड 1 के लिए अन आया बेटा, देन 2 के लिए बाई, लास्ट में आई यू एम. सो आई विल राइट अगेन आई यू एम. अब देखिए एक चीज, पॉइंट नंबर 3 क्या है, अगर आपके दो कंटिन्यूअस आई है तो उसमें से एक लिखा जाएगा. सो यहां पर आपके दो आई आ गए, मैं एक इसको हटा दूंगा. सो व्हाट इट इज लेफ्ट, आई यू एम. सो द आईयूपीएसी नेम इज अन अन बाई एम. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ एज फार एज सिंबल इज कंसर्न, देखिए बेटा 1 के लिए कैपिटल यू, अगेन 1 के लिए स्मॉल यू. सिंबल में तो आपको पता ही है फर्स्ट लेटर कैपिटल है, नेक्स्ट आपके स्मॉल होते हैं. 2 के लिए हमने क्या लिखा, बाई. सो बाई का बी. दिस इज द सिंबल ऑफ एलिमेंट दैट इज यू यू बी. सिंबल इज वेरी क्लियर.
जो आपका पहला डिजिट है उसका फर्स्ट लेटर, सेकंड डिजिट का फर्स्ट लेटर, थर्ड डिजिट का फर्स्ट लेटर, एंड इन ओवरऑल सिंबल जो फर्स्ट होगा वो कैपिटल, रेस्ट आर स्मॉल. सो दिस वी हैव रिटन द आईयूपीएसी नेम विद द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर 112. सेकंड वी विल डिस्कस फॉर 115. जस्ट सी आउट 1, 1 एंड 5. नाउ जस्ट सी आउट बेटा, स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? 1 के लिए वी हैव टू राइट अन, अगेन 1 इज प्रेजेंट, अन. 5 के लिए व्हाट वी हैव टू राइट? पेंट. सो आई विल राइट PENT, पेंट. एंड इन द लास्ट EM. सो व्हाट इज आईयूपीएसी नेम? अन, अन, पेंट, EM. एज फार एज सिंबल बेटा, फर्स्ट लेटर आपका अन है, अन से आपका यू आएगा. सेकंड भी आपका अन है, उससे यू आएगा. पेंट स्मॉल पी. सो द सिंबल इज UUP. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल 120. चलिए इसमें भी आपका जो फर्स्ट है वन है, वन के लिए वी विल राइट अन, टू के लिए वी विल राइट बाई, और जीरो के लिए हमारे पास क्या है? निल, NIL. सो आई विल राइट NIL. और इन द आस्ट एंड इन द एंड वी हैव टू राइट EM. सो द नेम विल बी अन बाई निल EM. सिंबल इनके पहले लेटर्स, वन का पहला लेटर U, टू का पहला लेटर B और जीरो का पहला लेटर N. तो सिंबल आपका क्या हो जाएगा बेटा? UBN. तो नेम से सिंबल बड़ा इजी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको पहले लेटर्स. जैसे यहां पर देखिए 112. सो 1 के लिए U, सेकंड का पहला लेटर U, B. सिमिलरली 115 में 1 के लिए बेटा U, अगेन 1 के लिए U, 5 के लिए P. वही आपका सिंबल है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट वी विल डिस्कस फॉर 114. चलिए 1 के लिए अगेन आई विल राइट अन, 1 अगेन अन. 4 के लिए बेटा जस्ट सी आउट क्वेड, QUAD, एंड इन द लास्ट EM. सो द आईयूपीएसी नेम इज अन, अन, क्वेड, EM. नाउ सिंबल फर्स्ट लेटर अंडरलाइन कीजिए हर एक के लिए. अन U, अगेन अन U, क्वेड Q. सो इट इज UUQ. एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ चलिए द लास्ट एंड द फिफ्थ एग्जाम्पल दैट वी विल डिस्कस इन दिस केस. 118. अगेन 1 आई विल राइट अन, अगेन 1 आई विल राइट अन. 8 के लिए बेटा व्हाट वी हैव टू राइट? ऑक्ट. सो आई विल राइट ऑक्ट. एंड इन द लास्ट आई विल राइट EM. अभी इनके फर्स्ट लेटर आपको अंडरलाइन करने हैं, अन का U, अगेन अन का U, ऑक्टियम का O. सो इट सिंबल इज UUO. सो दिस इज द वे हाउ कैन वी राइट डाउन द आईयूपीएसी नेम एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स. नॉट अ टिपिकल वन, बस ध्यान से करना है. दिस टेबल यू हैव टू लर्न, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ टूडेज लेक्चर, दैट इज द सेकेंड पार्ट, हाउ टू राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट एंड प्रिडिक्ट एटॉमिक नंबर फ्रॉम इट्स सिंबल. जो बेटा हमने अब तक किया है ये उसका रिवर्स है. अब हम क्या करेंगे? जस्ट योर इट्स वेरी क्लियर वन. मैं आपको दूंगा सिंबल ऑफ एलिमेंट, आपको उसका आईयूपीएसी नेम लिखना और एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट जो सिंबल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा द सिंबल, देन यू विल राइट आईयूपीएसी नेम एंड देन यू विल राइट एटॉमिक नंबर. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस UUP. चलिए U देखिए बेटा किसके स्टार्टिंग में आता है. U आता है अन. सो द फर्स्ट UN, अन. दोबारा से U है अन. P कहां पे आता है? फॉर पेंट. एंड इन द लास्ट EM. सो UUP स्टैंड फॉर अन, अन, पेंट, EM. क्लियर? नाउ द एटॉमिक नंबर बेटा, अन हम किसके लिए यूज करते हैं? वन के लिए. अगेन अन के लिए हमने क्या लिखा? वन. अगेन अन, वन. और पेंट के लिए वी विल राइट फाइव. सो द एटॉमिक नंबर इज 115.
नॉट अ टिपिकल वन, सिर्फ जो काम हमने किया है उसको रिवर्स करना है, नथिंग एल्स. सो द सेकेंड एग्जाम्पल दैट वी विल डिस्कस इज यू यू ओ. चलिए, यू स्टैंड फॉर अन, अगेन यू स्टैंड फॉर अन, एंड ओ स्टैंड फॉर जस्ट सी आउट ऑप्ट, एंड इन द लास्ट आई विल राइट ई एम. नाउ एटॉमिक नंबर, बेटा अन के लिए आई विल राइट वन, अगेन अन आई विल राइट वन, ऑक्ट के लिए आई विल राइट एट. सो द एटॉमिक नंबर इज 118. क्लियर. नाउ द थर्ड वन, यू यू टी. चलिए, यू स्टैंड फॉर अन, अगेन यू स्टैंड फॉर अन, टी स्टैंड फॉर जस्ट सी आउट ट्राई, एंड इन द लास्ट वी हैव टू राइट ई एम. अब इसमें देखिए बेटा, अगेन दो आई आ गए तो एक आई आप यहां से हटा देंगे, ट्राई अम. क्लियर. नाउ एटॉमिक नंबर, अन के लिए आई विल राइट वन, अगेन अन आई विल राइट वन, ट्राइम के लिए आई विल राइट थ्री. सो द एटॉमिक नंबर इज 113. नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल दैट वी विल डिस्कस, यू यू ई. चलिए, यू स्टैंड फॉर अन, अगेन दिस यू स्टैंड फॉर अन, एंड ई ई डबल एन, एंड इन द लास्ट आई विल राइट ई एम. चलिए, अन के लिए आई हैव रिटन वन, अगेन अन बेटा फिर से वन लिखा, ई एम किसके, सॉरी ई डबल एन, एन किसके लिए होता है, नाइन के लिए. सो दिस इज नाइन. सो दिस इज द एटॉमिक नंबर 119. सो दिस वी हैव डिस्कस्ड की what, how can we write the IUPAC name of element having the atomic number greater than 100, their symbols, और फिर सिंबल से अगेन हमने सीखा कि IUPAC नेम कैसे लिखे और एटॉमिक नंबर कैसे लिखे. मैं एक मिनट और लेना चाहूँगा कि ये कंसेप्ट आया क्यों, द कंसेप्ट किस लिए आया, द रीज़न इज वेरी क्लियर. जब एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हुई सो मैनी साइंटिस्ट ने कलेक्टिवली काम किया एंड दे हैव डिस्कवर्ड अ कॉमन एलिमेंट. तो कुछ साइंटिस्ट तो अपने अकॉर्डिंग नेम रख रहे थे, कुछ अपने अकॉर्डिंग, तो एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग नाम आए, बिकॉज काम सबने इकट्ठा कर रखा है. सो सम साइंटिस्ट से कि हमने काम किया हम ये नेम रखेंगे, दूसरे ने कहा हमने ये काम किया हम ये नेम रखेंगे. सो टू अवॉइड दिस कॉन्ट्रोवर्सीज 100 के बाद ये सिस्टम आ गया कि अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा, दिस विल बी द आईयूपीएसी नेम, दिस विल बी द सिंबल. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, दैट इज आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100. दैट्स ऑल.